गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ सॉरी, आज के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, रीजन पता नहीं है। अंकल बोल रहे हैं शायद कुछ जानवर खा गया हो, तो देखते हैं। तो मैं और आराध्या मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। आराध्या की मम्मा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही है क्योंकि अभी आया नहीं है, तो अभी हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। आराध्या भी थोड़ा ना दुखी दुखी सा लग रहा है। मकान वाले अंकल खूब तराई करते हैं, कल शाम को भी तराई कर रहे थे और अभी भी मकान की तराई करते। मकान की तराई करने से मकान मजबूत होता है, और जब बारिश होती है तो जो उसकी ईंटें होती हैं प्लास्टर होता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं पीता है, तो उसमें सीम जाने की समस्या खत्म हो जाती है। कल हम मॉर्निंग वॉक करने गए थे पीछे की तरफ, यहाँ से 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके आए थे। आज हम बलाहड़ की तरफ मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, और वहाँ से एक रास्ता जाता है सिली को, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। आज मेरा बैंड भी भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी इच्छा होगी उतनी वॉक कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा गांव आया है, ये यहाँ पे कई घर बने हुए हैं, खेत हैं, और थोड़ी ही दूरी पे छोटी सी नदी बह रही है। सामने अंकल बता रहे थे ये लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ से पूरा पहाड़ कट के नीचे आ गया था, तो अब इसका काम चालू है, इसको वापस से सही किया जाएगा। ये गांव आ गया बड़नागी, एक छोटा सा गांव है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बल्हाड़ आएगा, दोस्तों पेड़ देखिए कितना ऊंचा है, ये पूरी तरह सूख चुका है ये, लेकिन अभी तक भी खड़ा है। उसके सहारे से एक बेल ऊपर की तरफ जा रही है। पेड़ खुद खत्म हो चुका है, लेकिन इस बेल का सहारा बना हुआ है। साथ में इसी टूटे झोपड़े का भी सहारा बना हुआ है, इसका सपोर्ट इसको मिला हुआ है। अब हमको ऐसे नदी दिखने लगी है, ये बस आ रही है जो कि बटाट से बंजार, उससे नहीं होते हुए बंजार तो गए। देखिए हम नदी के पास आ गए हैं, बहुत ही सुंदर आवाज है, बहुत मधुर आवाज है पानी की। ऐसी आवाज को सुन के मन रोमांचित हो उठता है। दोस्तों आड़ू है, देखिए कितने आड़ू लगे हुए हैं, बहुत ही रस भरा फल होता है ये। रस के मामले में ये आम को भी फेल करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आड़ू खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खाएं, अगर इसका रस आपके गले में अटक जाएगा तो आपको खराश हो सकती है।
जब आप उसको बाइट करते हैं तो उसका रस बाहर की तरफ छलक के आता है, इसमें इतना रस होता है, इतना रसीला फल होता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। फ्रेंड्स सीधा रास्ता बलहड़ की तरफ जाता है और अभी हम शिलेह की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आगे शिलेह आगे जाके सरूंगर आता है। ये पुल नया बना है, इसका अभी उद्घाटन होना बाकी है। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ से बस चलना स्टार्ट हो जाएगी जो कि शिलेह सरूंगर जाएगी। अभी वहाँ पे जाने का कोई साधन नहीं है। मैं आपको नदी का एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है, ये बस यहाँ पे इजीली चल पाती है। ऑफ रोडिंग रास्ता है। तो जब इस पुल का उद्घाटन हो जाएगा तो ये यहाँ से रास्ता चालू हो जाएगा और बस सर्विसेज सिलेवा सरूंगर को मिलने लग जाएगी। ये कुछ ना कुछ सर्विसेज देख के आई है, कुछ सामान लेके गई होगी। अभी मैंने भी अंकल को बोला था कि अंकल किस कोई ड्राइवर पता करना जो हमको सिले लेके जाए। एक्चुअली वहाँ पे पहाड़ों के साथ मैदान भी है और यहाँ से 7 किलोमीटर मतलब काफ़ी टॉप पे सिले है, तो वहाँ से पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये हिमाचली मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ छोटा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। जय हो जय हो जय हो। ये देवता इमोल डमोल है, ये 15 अगस्त 2018 को बनाए मंदिर, लकड़ी से बना हुआ काफी खूबसूरत मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस हमें 5 किलोमीटर की वॉक हो गई है, वन साइड 5 किलोमीटर की वॉक, और अभी हम वापस से जा रहे हैं। काफ़ी स्टिफ चढ़ाई थी, काफ़ी थक चुके हैं, तो अभी वापस से जा रहे हैं। कैसा लगा आराध्य? थक गया। आराध्य थक गया है, इसको जाके दूध नाश्ता देते हैं। चढ़ाई का भी ज़्यादा उसमें पावर आएगी, इसको आज वापस से ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे। गाइस अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, इस पुल से थोड़ी देर पहले बरनागी आया था, ये तुंग है। वहाँ पर छोटी काफ़ी कम दूरी पे गांव बने हुए हैं और काफ़ी कम डेंसिटी है। तो सामने देखिए एक पुल बना हुआ है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है। जो कि जंगल की तरफ जा रहा है, इस सामने वाला पहाड़ पूरा जंगल है, वो पुल जंगल की तरफ जा रहा है। लोग वहाँ पे लकड़ियाँ लेने जाते हैं और वहाँ से ऊपर से पानी आता है तो उसके ऊपर पुल बनाया गया है।